और तभी मेरे को अभी जो रिपोर्ट है वो आ गया है नमू का, और नमू इज कोविड पॉजिटिव। तो दोस्तों अभी मैं मालवण की जो ट्रिप है उसका जो एपिसोड है वो मैं एडिटिंग कर रहा था, और तभी मेरे को अभी जो रिपोर्ट है वो आ गया है नमू का, और नमू इज़ कोविड पॉजिटिव। एक्चुअली मैं क्या है कि वो 2-3 दिन से बाहर गई थी कुछ शॉपिंग के लिए, और आई थिंक उसी की वजह से ये हुआ है। अभी जो उसका जो सिटी वैल्यू है वो 24 है, तो मतलब आई थिंक थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और लाइक अभी तक हम बहुत 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 कॉन्फिडेंस से घूम रहे थे। आई वॉज एडिटिंग द एपिसोड नंबर 2 फॉर आवर मालवन ट्रिप, बट लाइक ये सुनकर यार लाइक ऐसा लगा है कि अभी अभी क्या किया जाए। अभी एक्चुअली में मैंने डॉक्टर को कंसल्ट कर दिया है, और देखो गाइस बहुत बहुत घबराहट बहुत हो रही है, क्योंकि मुझे सिम्टम्स नहीं है लेकिन मेरे को भी टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा। सोसाइटी वाले भी बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि आप टेस्ट करवा दो। तो लाइक अभी देखते हैं कि क्या 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 किया जा सकता है। अभी तो एक्चुअली मैं सच में बताऊँ रात का टाइम हुआ है अभी लाइक 12 बजे, और लाइक ऐसी न्यूज़ आई है कि जिसकी वजह से बहुत ही, क्योंकि अभी अभी आप हाल देख रहे होंगे, पुणे में 70 से 72 केसेस हो रहे हैं, 60,000 से ज़्यादा केसेस आ गए हैं, एंड यू नो लाइक बट आई थिंक हम इसको टैकल कर सकते हैं, और हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम इस चीज़ से भी लड़े। बस दोस्तों मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन नमो इज कोविड पॉजिटिव, और अभी मुझे ही सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि मैंने नमो को 2 दिन पहले ही आइसोलेट कर दिया, तो जो रिस्क टू मी है वो थोड़ा कम है, लेकिन मेरे को राडो ब्लूडो को भी संभालना पड़ेगा। और सोसाइटी से भी नोटिफिकेशन आ गया कि अलाउड नहीं करेंगे वो नीचे जाना। तो अभी कुछ सामान है जो मैंने तपन से मंगाया, जो तपन मुझे देके जाएगा, लेकिन लेट जस्ट सी कि क्या होता है। अभी अभी आए अभी 12 बजे है, मैंने नमू को नहीं बताया। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो चीज़ है उसको मैं रिकॉर्ड करूँ। मुझे नहीं इच्छा है ऐसा नेगेटिव ब्लॉग बनाने की, मेरे को कोई इच्छा नहीं है। मैं आपने देखा होगा मैंने आपको ऑलवेज ट्रैवल के रिगार्डिंग आपको वीडियोस दिखाए हैं, आपको ट्रैवल्स के रिगार्डिंग सब कुछ दिखाया है, लेकिन गाइस मैं वीडियो एडिट करता रहूँगा, लेकिन साथ साथ में क्या है कि मुझे इस चीज़ को भी दिखाना है गाइस कि देखो गाइस लाइफ में जो ऊपर नीचे चीज़ें जो है वो होती रहती है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। अभी बस मेरे को ये संभालने का है कि मैं कहीं पॉजिटिव ना हो जाऊँ। बाकी अगर 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 मैं ध्यान रखूँगा तो आई थिंक मैं नमू को भी अच्छी तरीके से संभाल पाऊँगा। खास करके मम्मी पापा जो है उनकी भी बहुत कमी हो रही है। अभी अगर मम्मी पापा होते तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन होता, लेकिन अभी नो वरीज, अभी हम हैं। पर अभी मैं आई थिंक बता देता हूँ नमू को, जो जो है वो सच्चाई बतानी ज़रूरी है वो मैं बता देता हूँ, और उसके लिए मैं मेडिसिन भी लेकर आ गया हूँ, मेडिसिन भी मैं उसको दे देता हूँ। तो गाइस ये कुछ दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर ने लिखी है, और भी 2-3 थी लेकिन वो मिली नहीं, तो मैं अभी अभी के लिए मैं ये 2 दवाइयाँ लाया हूँ जो मैंने नमो को दे दूँगा। अभी आई थिंक उसने खाना भी इतना अच्छे से नहीं खाया है, तो अभी मैंने उसके लिए दूध बनाया है। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने उसके लिए दूध बनाया जिसमें
मैंने डॉक्टर ने बोला था कि उसमें जो अजमा होता है, आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो डालने का। और ये दूध में मैंने हल्दी जो है वो मिक्स की है, तो मैं उसके लिए रख दूंगा। और मेरे को एक बाउल ढूंढना पड़ेगा। नमो, मैंने रख दिया है दूध और दवाई रख दी है। बेटो नमो, प्लीज ले ले। तो गाइस, जो दवाइयाँ है वो रख दी है मैंने और दूध भी मैंने रख दिया है। मैं सेफ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ, मैंने उसको बोला है लेने के लिए। बेटो प्लीज दवाई खा ले मेरे सामने। पानी की बोतल तेरे को देके ही रखी है, अंदर ही है तेरे पास। दवाई खा ले और दूध पी ले, है ना बेटो? और देख, अभी 12 बजे है रात के। प्लीज मेहरबानी करके आराम करके सो जा। सी, मैं तेरे साथ ही हूँ हमेशा, तो उसमें टेंशन मत ले। लेकिन क्या कि अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहे। और सो जा बेटो, अभी अगर आराम करेगी जितना वो उतना ज़्यादा तेरे लिए सही रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है हमारे लिए। अभी मुझे कोविड पॉजिटिव आया है, अभी निशु ने मुझे बताया। और अभी तो मुझे पूरा दिन मास्क पहन के रखना है और रूम में भी रहना है। पता नहीं कैसा होगा ये 15 दिन। अभी आज तो पहला दिन तो बहुत ही ख़राब है, मुझे बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा फीवर है। और अभी बॉडी पेन भी स्टार्ट हो गया है। अभी 2 बार मैंने फीवर चेक किया तो वही सेम ही 103 104 आ रहा है। अभी बस निशु दवाई दे के गया है और ये दूध भी दे के गया है। अभी तो मैं ये दूध पीऊँगी और फिर दवाई खाऊंगी और थोड़ा रेस्ट करने का ट्राई करती हूँ। और पता नहीं, मेरे से अभी तो घर की याद आ रही है और बोला भी नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, एडिटिंग कर रहा था लेकिन अभी अभी नहीं मन हो रहा है यार, अभी मन नहीं हो रहा है। तो अभी मैं सोऊंगा। अभी हमने यहाँ पे बेड बिछा दिया है, तो राडो और प्लूटो को दोनों को हम साथ में ले लेंगे और साथ में लेके हम तीनों यहाँ पे सो जाएंगे। और फिर आपको मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, अभी बस जस्ट मेरी मॉर्निंग हुई है और आज है दूसरा दिन। और मुझे मॉर्निंग में चाय पीने की आदत है। अब पता नहीं अभी निशु चाय बना पाएगा या नहीं, पर फिलहाल तो मुझे निशु ने ऑरेंज दिया है तो मैं वो ऑरेंज खाऊंगी पहले और फिर देखते क्या बनाता है निशु नाश्ते में, या तो चाय बना पाता है या नहीं। और मुझे आज पता नहीं थोड़ा सैड फीलिंग हो रहा है और रोना भी आ रहा है। और फीवर अभी कम है पहले से, बट गले में बहुत बोलने से दर्द होता है और खांसी भी आ रही है अभी थोड़ी थोड़ी। और बाकी तो दवाई लेने से फीवर कम हो गया है पहले से। अभी देखते हैं कि हम क्या घरेलू नुस्खा भी ट्राई करते हैं कि नहीं। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मॉर्निंग हो चुकी है और अभी सोच रहा हूँ क्या किया जाए। एक्चुअली मैं कल रात को, मैं सच में बताऊँ तो मेरे को नींद ही नहीं आई है। मैं फिर से एडिटिंग करने बैठ गया और फिर उसके बाद फिर से मैं सो गया। तो ठीक है, अभी अभी आई थिंक मैं थोड़ा चाय वाय बनाता हूँ। और चाय बनाना मेरे को आता नहीं है, लेकिन मैंने यूट्यूब वीडियोज़ जो है वो मैंने देखे थे, तो अभी उसके हिसाब से
चाय बनाने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे को बताना अगर मैं कहीं पे गलत करूँ तो, शायद मैं अगले एपिसोड तक इम्प्रूव कर सकता हूँ। बट मैंने कभी बनाई नहीं है। मैं कॉफ़ी अच्छे से बना सकता हूँ लेकिन चाय का आई एम नॉट श्योर। सो लेट्स मेक द टी। और ये अभी आप देखो ब्यूटीफुल मॉर्निंग यहाँ पे हो चुकी है। नमो नमो। हाँ। कैसा है बेटो? अभी ठीक है, दवाई खाई थी तो नींद आ गई थी तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो आराम कर है ना। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। और अभी भी आई थिंक मेरे को चाय बनाने की प्रैक्टिस अभी करने की है। सो लेट्स जस्ट सी। सो अभी हमने बर्तन ले लिया। तो अभी हमने दूध डाल दिया है और दूध को गर्म कर रहा है अभी। अभी मुझे ये नहीं पता है कि दूध मतलब पूरा उबलने लगे तब चाय डालने की है कि पहले, पर अभी के लिए तो मैं पहले ही डाल देता हूँ। तो ये है ये अपना शुगर है, शुगर मैं डाल रहा हूँ। 2 चम्मच शुगर मैंने डाल दी है। अभी अपन डालते हैं ये चाय की पत्ती। चाय की पत्ती भी मैंने 2-3 चम्मच ही डाली है। अभी आई थिंक जो दूध है वो थोड़ा उबल रहा है। और दोस्तों अभी मुझे वो भी नहीं पता क्या इसमें पानी ऐड करते हैं क्या, मतलब लाइक मुझे पता नहीं है कि हम करते हैं कि नहीं करते है। अभी अदरक डालता हूँ, अदरक अच्छी है उसकी हेल्थ के लिए। तो अभी देखो मैंने अदरक डाल दी है और चाय और को चाय और जो शुगर है वो भी डाल दिया है। तो अभी ये इस तरीके से पूरा चाय अभी बन रहा है। अभी एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि अभी काम वाली जो है वो भी नहीं आने वाली है, लेकिन ये जो चाय है उसको ओके आई डोंट नो, थोड़ी ऑरेंजिश हुई है। एक बार चाय दे देते हैं। ये अभी क्या कि बारिश जैसा है बाहर माहौल, तो उसकी वजह से। नमो, मैंने चाय रखी तेरे लिए, मैंने चाय बनाई पहले टाइम, पी के बता ना है ना, पी के मैं को बता ना। अदरक भी डाली मैंने। तो दोस्तों अभी आई थिंक मुझे समझ में आ रहा है कि जो डॉग्स होते हैं
वो हमारी लाइफ में मतलब लाइक कितना रोल प्ले करते हैं, उनके उनकी वजह से आज थोड़ा रिलीफ लग रहा है। मैं और नमो साथ में होकर भी साथ में नहीं है, और यू नो लाइक दोस्तों अभी बात ये है कि आई थिंक हमें इस वीडियो को अभी यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। कल रात से मैं बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ, मतलब मैं वीडियो देख रहा था, मैं देख रहा था कि भाई कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसमें मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। एक तो ये व्हाट्सएप के अंदर जो मैसेजेस आ रहे हैं उसकी वजह से इतना लोड लग रहा है, इतना टेंशन हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं। बट उसको अच्छा देख के अभी थोड़ा ठीक है, मतलब लाइक शी इज फीलिंग बेटर सो दैट इज़ गुड। मैंने उसको दवाई दे दी, अभी आई थिंक क्या है कि मैं थोड़े टाइम सो जाऊंगा और थोड़ा सो के फिर यू नो शाम को ऑफिस का भी काम करने का है, तो फिर एक बार थोड़ा सो लेता हूँ तो थोड़ा ठीक रहेगा। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मिलूँगा। अभी शायद जो नेक्स्ट एपिसोड है वो मैं शायद इकट्ठा करूँ या तो एक रिव्यू बनाऊँ या वॉट एवर इट इज़ आई डोंट नो क्या करूँगा, लेकिन बस आपको मेरी जो सुख और दुख हर एक चीज़ें जो है वो मेरे को दिखानी थी, तो उसके लिए मैं आपको ये वीडियो बनाया। और अगर आपको सही लगा है तो आप उसको लाइक कमेंट शेयर जैसे आपको मर्जी पड़े वैसे आप कर सकते हो। देखो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप स्वस्थ रहो, आप घर में रहो गाइस, बिल्कुल भी बाहर मत निकलो। और मेरा जस्ट यही रहेगा कि यू नो लाइक गाइस आप पैनिक मत करो, पैनिक की वजह से बहुत सारी सिचुएशंस जो है वो बिगड़ जाती है, तो पैनिक मत करो और लेट्स सी के हम किस तरीके से इसको कॉम्बैट कर पाते हैं।